So let's understand few words, the very important words in medical law. उसमें से एक जैसे वो मॉर्निंग में दो चीज दी जाए, एनसी एंड नॉन एनसी, कॉमनेस्ट वर्ड। एनसी फाइल किया मैंने या उसने एनसी फाइल किया, इन नॉर्मल वर्ड एनसी क्या है मेडिकल लॉ का मतलब इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जिसमें पुलिस विदाउट परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकती, सीजर नहीं कर सकती, सर्च नहीं कर सकती, जिसको छोटा क्राइम हो जाए। एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट किसी भी वक्त आके अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, इतने ही। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या हो गया कि पुलिस को कहीं ना कहीं कंप्लेन तो लेना है लेकिन एक्शन नहीं लेना है। जैसे हस्बैंड वाइफ के अंदर मारामारी हो गई, या दो दोस्तों में मारामारी हो गई, या पेशेंट ने आकर डॉक्टर के साथ वायलेंस किया, इस केस में डॉक्टर कंप्लेन तो करता है लेकिन पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में रहता है क्योंकि वायलेंस करने वाले कई इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो पुलिस को लेना भी है कंप्लेन क्योंकि डॉक्टर को सेटिस्फाई करना है और उसके ऊपर एक्शन भी नहीं लेना। तो क्या करता है, छोड़ कंप्लेन तो पूरा लेगा कि अमुक अमुक करना होने यांच्याकडे अटॅक झाला आणि म्हणून त्याला अरेस्ट करणं गरजेचं आहे किंवा कंप्लेन घेणं गरजेचं आहे, सब स्टोरी तो लिखेगा उसके। लेकिन ऊपर सेक्शन के लिए वो नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन लिखता है, जैसे 323 एग्जांपल देखो। सो 323 इज अ सिंपल हर्ट, मैंने किसी को झापड़ मारा, दैट मीन्स समवेयर आई हैव अटैक्ड हिम और पुश किया, तो इट इज सिंपल हर्ट, कॉजिंग सिंपल हर्ट बाई एनी एक्ट सिटीजन को भी अधिकार। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ माय कंट्री आई हैव व्हाट राइट फॉर द पेन,
कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला है, कोर्ट ने क्या बोला कि अवेलेबल ऑफेंस मीन्स आई नीड टू अरेस्ट हिम बट बीइंग अवेलेबल आई हैव अ राइट, आई हैव ऑलरेडी गिवन अ राइट टू गेट. तो मेडिकल लाइन में 304 ए जो नॉर्मल सेक्शन लगता है कॉजिंग अ डेथ विद नेग्लिजेंट एक्ट, मेडिकल लाइन में तीन सेक्शन मेजरली लगते हैं. 336 कॉजिंग सिंपल हर्ट विद नेग्लिजेंट एक्ट, जैसे इंजेक्शन दिया एब्सेस हो गया या इंजेक्शन दिया पेन हो गया. दूसरा 337 एंड 338 कॉजिंग आईपीसी का सेक्शन है, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विद नेग्लिजेंट एक्ट. ग्रीवियस एक्ट के एक्चुअली ग्रीवियस का डेफिनेशन लॉ में अलग है कि एक पैर नहीं है एक ऑर्गन डैमेज हुआ, ग्रीवियस मतलब सीरियस इंजरी. नॉर्मली मेडिकल लैंग्वेज में सिंपल है, सिंपल जैसे जिंदा पेशेंट है लेकिन कैटरेक्ट में लेफ्ट का राइट कर दिया या फिर एक आंख का ऑपरेशन किया और आंख खराब हो गया तो इट कम्स अंडर ग्रीवियस. एक ऑर्गन हो गया ना इट बिकम ग्रीवियस, देन द पेशेंट जिंदा है तो 337 338 सेक्शन आईपीसी का लगता है. तो इट इज डेफिनेटली अ बेलेबल, इट इज बेलेबल. सो ये चारों सेक्शन जो है ना 336 337 338 एंड 304 ए ये मेजॉरिटी 80% टाइम डॉक्टर को पर 90-80% डॉक्टर 80% प्लस केसेस डॉक्टर के एनएस में मेडिकल इंग्लिश में ये सेक्शन 80% प्लस तो ये अवेलेबल है.